हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस, आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुणे की तरफ से, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। एंड यदि हम लोग यहाँ पे देखें, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी ओपन है, तो यहाँ पे वैकेंसी तो काफी अच्छी है, पर सारी चीजों को समझ लीजिएगा, क्या पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, किस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, जिससे आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे समझिएगा गाइस, यदि हम लोग पोस्ट की बात करें, सबसे पहली पोस्ट है हमारी स्टोर कीपर ग्रेड थर्ड की। यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। यदि हम लोग पे लेवल की बात करते हैं, तो बेसिक पे आप लोगों का 19,900 रुपए प्लस अलाउंसेस, तो सैलरी आप लोगों की काफी अच्छी बन जाती है। यदि हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं, तो 18 से 25 ईयर यानी कि आप लोगों की 18 to 25 ईयर एज लिमिट है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। यदि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो यदि हायर सेकेंडरी आप लोगों ने कंप्लीट किया है, 12th क्लास कंप्लीट किया है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, सेकंड जो पोस्ट है वह आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आप लोग इस पोस्ट को देखते हो, सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर, तो यो पोस्ट है वो पोस्ट काफी अच्छी है। यदि आप लोग इसमें फाइट करते हो, आप लोग इंस्ट्रक्टर हो, अब यहां पे समझ लीजिएगा आप कितनी सारी ट्रेड यहां पे दी गई है। काफी सारी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, आर्टिजन, कंस्ट्रक्शन, तो काफी सारी पोस्ट यहां पे मिल जाएंगी, सर्वेयर वगैरह, तो सभी पोस्ट वाले यहां पे एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 22 है। यदि हम लोग बेसिक पे की बात करें, तो 19,900 रुपए है। यदि एज लिमिट की बात करें, तो सेम आप लोगों की 18 टू 25 ईयर रखी गई है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ में जो भी ट्रेड यहां पे दी गई है, यदि इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में आप लोगों ने आईटीआई कंप्लीट किया है, यदि आप लोगों के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पे गाइस अप्लाई कर पाओगे। सेकंड में यहां पे बोल रहा है कि टीचिंग स्किल वगैरह, ट्रेनिंग की स्किल आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो यहां पे मेन आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप लोगों ने 10th प्लस आईटीआई कंप्लीट किया है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो। अब ये देखो, पोस्ट बहुत अच्छी है यदि आप लोग यहां पे फाइट करते हो। अब आगे सारी चीजों को समझ लीजिएगा। अब यहां पे थर्ड पोस्ट है हमारी कुक की, जिसमें 9 पोस्ट है टोटल। बेसिक पे आप लोगों का सेम है, एज लिमिट आप लोगों की सेम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग। अब गाइस, नेक्स्ट पोस्ट है यहां पे लास्कर की, जिसमें टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यहां पे बेसिक पे आप लोगों को 18,000 रुपीस मिल जाती है, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि आप लोगों ने 10th क्लास कंप्लीट किया है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहां पे मांगा गया है, जो कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। यदि है तो आप लोग लगा सकते हो, नहीं भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस की यदि हम लोग बात करें, टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट है, 10th क्लास कंप्लीट है, अप्लाई कर पाओगे। एमटीएस वॉचमैन में भी यहां पे 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, 10th क्लास कंप्लीट है, अप्लाई कर पाओगे। एंड गार्डनर की भी यहां पे 5 पोस्ट है, 10th क्लास कंप्लीट है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सफाई वाले की भी 2 पोस्ट है, एंड वाशरमैन की यहां पे 2 पोस्ट है, तो सभी के लिए 10th क्लास मैट्रिकुलेशन यहां पे मांगा गया है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि आप लोग एक्सपीरियंस रखते हो, तो उसको आप लोग लगा सकते हो, जिसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है। अब यहां पे देखो, डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आप लोगों को रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी। लेकिन यहां पे समझिएगा, एज लिमिट वगैरह मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि 18 टू 25 ईयर आप लोगों की एज लिमिट है। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करोगे, तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वहां पे आप लोगों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब गाइस, इसका थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की छटनी करी जाएगी, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम देने का मौका यहां पे नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को छांट दिया जाएगा, तो वो स्क्रीनिंग के आधार पर करेंगे। इन्होंने यहां पे बोला है कि बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन एग्जाम ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगा गया है, उसमें आप लोगों की क्या परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले छटनी करेंगे। वो किस केस में, यदि उनके पास में ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उस कंडीशन में, राइट। सेकेंड आप लोगों का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, वो आप लोगों के 10th 12th एंड आईटीआई का जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके लेवल का आप लोगों का जो है रिटन टेस्ट होगा, जो कि आप लोगों का हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में रहेगा। एंड आप लोगों का उसके बाद में
ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल रहेगा, वो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, लास्ट डेट आप लोगों की क्या रहेगी, आप लोगों का जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसके 21 डेज के तक आप लोगों को फॉर्म को पहुंचाना होगा, ऑफलाइन आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो ये जो है आप लोगों का जो पब्लिश हुआ है इसी वीक का नोटिफिकेशन है, जनवरी फर्स्ट वीक का, तो आप लोगों के पास में अभी काफी टाइम है यदि आप लोग इस फॉर्म को फिल करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखोगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप लोगों को क्लियरली किस पोस्ट के लिए आप लोग किस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ऊपर लिफाफे में आप लोगों को लिखना है एंड साथ में यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, तो इस एड्रेस पर कंप्लीटली आप लोगों को भेजना पड़ेगा। अब भैया किस जगह पर आप लोगों का रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होने वाला है, तो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर कि पुणे में ही आप लोगों का जो है जो भी प्रोसेस है, चाहे वह रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल हो, आगे यदि आप लोग फाइट कर लेते हो तो वो सारी चीजें आप लोगों की पुणे में ही होने वाली है, आप लोगों को डिफरेंट सिटीज में एग्जाम देने का मौका यहां पे नहीं मिलेगा। अब यहां पे कॉल लेटर एंड एग्जामिनेशन की बात करी गई है, तो यहां पे जो भी स्टूडेंट्स जो है शॉर्टलिस्टेड होंगे अकॉर्डिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग उनके पास में जो है कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। कुछ जनरल कंडीशंस यहां पे दी गई है, यहां पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है क्लियरली, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोगों को क्लियरली जो है फिल करके भेज देना है, जो भी इन्होंने यहां पे रिक्वायरमेंट दी है वो सारी जो है फिल करिएगा। देन उसके बाद में क्लियरली लिफाफे के ऊपर जो है लिखा होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने यहां पे बताया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैपिटल लेटर में जिस पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर रहे हो एंड साथ में कैटेगरी यहां पे मेंशन होना चाहिए, क्लियर है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, यदि आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप यहां पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।